हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमी फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम कुर्ती की शर्ट कॉलर बनाएंगे। तो इस कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है, तो इसके हमने शोल्डर लिए हैं, ये लिए हमने 8 इंच, और ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट को हम हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, इसकी चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच और इसकी डीपनेस लेंगे हम 2.5 इंच, यानी कि 2 पॉइंट कम। और इसको इस तरह से मिला देंगे, थोड़ा सा वी शेप में, ज़्यादा राउंड नहीं करना है इसमें। और यहाँ से लेंगे हम 13 इंच पे, यानी कि यहाँ से हमारा 8 या 8.5, 8.5 पे लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो 8.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पर, यहाँ से हमें कट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे पट्टी लगा के उसके बाद कट करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लिया हमने। तो ये देखिए, जो हमने 8.5 इंच पे नीचे निशान लगाया था, जो हमारा गला कटा है उसके नीचे, तो उसके लिए ये मैंने पट्टी ली है। ये पट्टी मैंने 2 इंच की ली है, ये देखिए। और ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, यानी कि 8.5 थी हमारे, 9.5 है। और अब इसको हम सीधे साइड रखेंगे इस तरह से, और हम उल्टे साइड से इस पे सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई लगानी है इसके चारों तरफ। ये जो हमने मार्क किया है प्रेस से, बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट बनाया है, तो इसके हमने यहाँ से इतना दूरी पे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे चारों तरफ से, यहाँ से जितना हम 8.5 इंच से हैं वहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। और हम इसको सीधे साइड रखेंगे, आलपिन से अटैच कर लेते हैं, और फिर हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। और चाहे आप इसमें कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ बीच में जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से मिला के बीच में एक सिलाई लगा सकते हैं यहाँ से। ये कच्ची सिलाई होगी, इसको बाद में हमें हटाना है। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमने सेंटर बनाया था उसको सेंटर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसमें भी हमने सेंटर बना रखा है, तो इस तरह से हमें बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। तो ये देखिए, हमने सेंटर में कच्ची सिलाई लगा दी है। अब इसके चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है, तो वो हम कुर्ती को रॉन्ग साइड से लगाएंगे यहाँ से, ताकि हमें पता भी लग जाए। और यहाँ से लगाएंगे हम, आप चाहो तो सीधे साइड से भी लगा सकते हैं, बट इसमें हमारा सेंटर आराम से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारी सिलाई कई बार कच्ची इधर उधर चली जाती है, तो यहाँ से हमें अपना सेंटर प्रॉपर नज़र आता है। तो यहाँ से हम पक्की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी पट्टी को अंदर के साइड पलट दिया है, और अब हम यहाँ से ऊपर से हमने 3 इंच लिया था, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसको ओपन छोड़ेंगे इतना, और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये हमने पट्टी ली है 1 इंच की, ये डबल में मैंने स्टिच कर ली है इस तरह से, और इसको अंदर के साइड से हम इसको बंद कर देंगे, और इसके ऊपर हम बाद में फैंसी बटन लगाएंगे इसके ऊपर से, और इसको हम ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा कवर हो जाएगा कॉलर के अंदर, तो इतना हमारा ओपन रहना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से पाइपिंग से भी बंद कर सकते हैं, और उसके बाद पट्टी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें पट्टी ही लगाई है। और इस तरह से इसको बंद कर देंगे, यहाँ से सिलाई लगा देंगे।
ये हमारा नेक कंप्लीट होने के बाद हम अपने दोनों पार्ट लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट, और अब शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम अपने शर्ट कॉलर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो हमने सिलाई लगाई है पीछे वाले पार्ट पे, ये हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, ज़्यादा नहीं कट करना हमें, सिर्फ हमें जो सिलाई लगाई है यानी कि जितने हमने शोल्डर ज्वाइन करे हैं सिर्फ उतने ही हमें कट कर देने हैं पीछे वाला पार्ट पे। इससे ज़्यादा कट नहीं करना है, नहीं तो हमारा सारा जो शर्ट कॉलर है वो पीछे की साइड चली जाएगी, सिर्फ इतनी। और अब इसके ऊपर इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे, दोनों किनारों को मिलाएंगे और फिर इनको नापेंगे हमारी शर्ट का कितना साइज आएगा, तो इस तरह से मिलाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने नापेंगे, इसका नाप यहाँ से लेंगे और दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ लेंगे और ये हमारी आई है 8.25 इंच, 8.2 इंच, तो यानी कि 16.5, करीब 16.5। तो अब इसको हम रख देंगे और फ्यूजन पेपर लेंगे हम, उसके ऊपर हम अपने कॉलर को कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है, ये हमने डबल में ली है और डबल में ये हमारी है 10 इंच। तो अब हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं नीचे की साइड से, इस तरह से। और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच यहाँ से, और जितनी हमारी ये हमारी 8.25 इंच, 8.2 इंच थी, तो यहाँ से 8.2 इंच पे मार्क करेंगे हम। और यहाँ से लेंगे हम, इससे तिरछा लेंगे हम 3.5 इंच पे, इस तरह से इसको मिला देंगे, जैसे हमारी शर्ट में शेप होती है उस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे। और अब इसमें हम कटिंग के लिए यहाँ से इतना मार्जिन लेंगे हम, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा और ऊपर से भी इतना। और अब इसको मिला देंगे हम यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हम अंदर की साइड से राउंड शेप लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड शेप लेंगे इस तरह से। और अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमने राउंड शेप ली थी उस तरह से ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना हमें, ये देखिए। और यहाँ से जो हमने शेप दी थी राउंड की, थोड़ी सी दूर में ऐसे, और अब इसके इस तरह से कोण तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल, ये हमारे शर्ट कॉलर कट चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये देखिए कॉलर को हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है, और एक और फैब्रिक लिया है हमने सेम मैचिंग का, और वो हमने इस तरह से दोनों अंदर के साइड सीधे साइड रखे हैं और बाहर के साइड रॉन्ग साइड रखे हैं, तो इस तरह से ऊपर नीचे रख दिया है। और अब इसको हम यहाँ से स्टिच करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से इतना छोड़ देंगे 1/2 इंच का मार्जिन, और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है, इसके ऊपर से लगाएंगे हम, यहाँ से इसके ऊपर से लगाएंगे पूरे में। ये
यहाँ पर हमारे किनारे के पास आने के बाद इस तरह से हम एक धागा लेंगे, ये टू फोल्ड धागा है हमारा, और इसको हम नीचे की साइड रखेंगे ताकि हम इसमें कंधे निकाल सके आराम से। तो यहाँ से हम इसको यहाँ रखेंगे, इसके नीचे इस तरह से, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए इस साइड भी हम कोने के साइड इस तरह से हम रखेंगे धागे को। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अब सिलाई लगा देंगे हम। और अब धागे को हम इस तरह से अंदर की साइड रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई पूरी हो गई है। इससे थोड़ा सा हाफ इंच हमने पीछे रखा है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमारे राउंड शेप में है, तो यहाँ से छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे ताकि पलटने में हमारे आसानी हो। और यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ही कट करेंगे और बाद में कट कर सकते हैं इसको। अभी तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे इस तरह से ताकि हमारी फिनिशिंग नजर आए। और अब इसको हम पलट देंगे। इस तरह से ये जो हमने कोने के अंदर देख के धागा लगाया था, तो इसको हम अब पकड़ के खींचेंगे तो ये हमारे किनारे अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। और अब इसको हम धागे को निकाल भी सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और बाद में इसके बाद में हम इस पे आयरन करेंगे। ये देखिए किनारे हमारे कितने फिनिशिंग के साथ निकले हैं। और अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा देते हैं, फिर इसको हम इसको अटैच करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम धागे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने कॉलर को प्रेस कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इसके किनारे अच्छे से निकल गए हैं। और अब हमारा जो पेस्टिंग की साइड था उस तरफ से हम इसको जितना हमारा मार्जिन है उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए जितना हमारा मार्जिन है इसको हम अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहो तो पक्के भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अंदर की साइड ही जाएगी। तो यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है और यहाँ से हमने इसके ऊपर मार्क भी कर दिया है जो नीचे वाला पार्ट है, और इसमें सेंटर पॉइंट बना लिया हमने। और अपनी कुर्ती के अंदर भी पीछे वाले पार्ट में हमने इस तरह से ही सेंटर पॉइंट बनाया है। ये देखिए ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें भी इस तरह से सेंटर पॉइंट बना लिया है ताकि हमारे कॉलर का और कुर्ती का सेंटर मिल जाए आराम से। तो हम अपनी कुर्ती का रोंग साइड लेंगे और रोंग साइड से इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। यहाँ से इस कनेरिक से इस तरह से मिलाएंगे हम। यहाँ से हम एक इंच, कम से कम 1 इंच छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने कॉलर लगाएंगे। और ये देखिए जो हमारे शोल्डर हैं इसको पीछे की साइड रखेंगे हम, और जो हमारा कॉलर है इसको हल्का से हाथ से हमें खींचना है, और कुर्ती को हमें खींचना नहीं है, इसको लूज छोड़ के रखना है। बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। और अगर आप ज़्यादा खींचते हो तो इसमें हमारा ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा कॉलर, तो इसलिए आप बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से खींचेंगे। और जितने मार्जिन के ऊपर हमने निशान लगाया है वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए ये हमारी कॉलर किस तरह से लग गई है, पूरी पूरी आ गई है। ये देखिए इस तरह से हमारा कोई झोल नहीं आया है। और जो हमारे ये कंधे हैं यहाँ पर हम एक एक कट लगाएंगे ताकि हमारे इस तरह से दबाव में पीछे की साइड इस तरह से फिनिशिंग रहे। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसमें सिलाई दे देंगे इसके ऊपर से, और यहाँ से हमें एक एक कट दे देना है, छोटा छोटा कट देना है इस तरह से दोनों कंधों के साइड से। ये देखिए, और अब हम अपने दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल हमारी जो सिलाई है इसके ऊपर से ही सिलाई आनी चाहिए। और यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से छोड़ते हुए फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम ऊपर से लेके आएंगे तो हम दूसरी बार में इसमें सिलाई लगा देंगे तो हमारा झोल नहीं आता इससे। तो यहाँ से इतना हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए इतना थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है एक इंच तक का। तो इसके बाद हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और बिल्कुल सिलाई के ऊपर से सिलाई आएगी इस तरह से। इस तरह से हम पूरी कॉलर को अटैच कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी कॉलर रेडी हो गई है, और अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे और इसको इस तरह से इतना इतना हम इसको इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये हमारी कितनी खूबसूरत है हमारी कॉलर, और इसको हम इस तरह से प्रेस लगा देंगे। प्रेस के बाद ये अच्छे से जच जाएगी और ये इस तरह से रहेगी हमारी शर्ट के ऊपर इस तरह से। मैं इसको प्रेस करके इसके बाद दिखाती हूँ, और उसके बाद हम इसमें फैंसी बटन भी लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी कॉलर के ऊपर हमने प्रेस लगा दी है, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। और इसके बाद ये हम गोल्डन कलर के ही इसके ऊपर फैब्रिक बटन लगाएंगे। ये देखिए इसके बाद ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़र आएगा। इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, उसमें आपको अपनी पूरी कुर्ती का लुक पता लग जाएगा आपको कितना ब्यूटीफुल लुक आया है। ये देखिए इस तरह से हम अपने बटन अटैच कर लेंगे, और ये देखिए ये हमारी शर्ट कॉलर कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अगर आप इस तरह से ही लगाओगे तो बिल्कुल इजी तरीका है इसका, और कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।